कैमरा मैन इधर इधर आ जा, लिया जल्दी आ। क्या हुआ? अबे जल्दी वीडियो आ गई इस बार। तो फिर ना क्या हो गया? दिख ना कर दिख दिख कर दिख ना कर दिख दिख कर दिख ना कर दिख दिख कर दिख ना कर दिख 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 वीडियो आ गई। ओ वीडियो आ गई। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू हॉरर स्टोरी में। तो गाइस ये जो स्टोरी है वो दिल्ली की है और मेरे एक सब्सक्राइबर देवेश ने मेरे को ये स्टोरी भेजी है। और ये सब कुछ अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वीडियो में आगे, ये सब कुछ देवेश के घर के जस्ट बगल में एक घर है राकेश का, एंड राकेश के साथ ये सब कुछ हुआ था। एंड राकेश के साथ राकेश के घर में जो जो हुआ उसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस स्टोरी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे ब्लैक मैजिक जादू टोना से एक अच्छे खासे परिवार, किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तुम्हें इस स्टोरी में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और फाइनली मैंने सरप्राइज को रिवील कर दिया है। तुम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि सरप्राइज क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं कि मैंने अपना एक सेकंड गेमिंग चैनल खोला है जिसका नाम है आस्तिक फीड, और यहां पर तुम लोग भी मेरे साथ गेम्स वगैरह खेल सकते हो। तो फटाफट इस वीडियो के बाद जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर देना, साथ में इस चैनल का भी, क्योंकि तुम में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर से मैं पर्सनली मिलने वाला हूं एंड उसके साथ हमारी वीडियो आने वाली है। तो भाई क्या पता वो लकी सब्सक्राइबर तुम भी हो सकते हो। तो इस वीडियो के बाद जाकर सेकंड चैनल गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी दिल्ली की है, जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि देवेश नाम के एक लड़के ने मेरे को ये स्टोरी भेजी है। एंड देवेश के पड़ोस में एक लड़का रहता था राकेश, एंड उसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो जो राकेश था वो अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, और राकेश के फैमिली में सिर्फ उसके मम्मी पापा और राकेश, सिर्फ ये तीन लोग ही रहते थे। एंड इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, इनके फैमिली में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, कभी भी इनके फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हुई पैसों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि जो राकेश के पापा थे उनका खुद का बिजनेस था दिल्ली में। ये लोग जहाँ पर रहते थे इनका खुद का 3 मंजिल का घर था। जो राकेश था वो अपने सारे शौक पूरे करता था, उसने कुछ टाइम पहले ही एक बुलेट बाइक ली थी जो कि उसकी फेवरेट बाइक थी। तो अब क्या होता है, इनके फैमिली में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, ये लोग ग्रो कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ठंड का मौसम आता है, जनवरी का महीना था। तो एक दिन क्या होता है कि राकेश की मम्मी अपने घर के बाहर तसले में आग जलाकर आग सेक रही थी, और साथ में ना गली की बहुत सारी आंटियां थी, ये लोग आपस में आग सेकते हुए बात कर रहे थे। तभी क्या होता है कि एक लड़की आती है, एंड वो लड़की दिखने में लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उस लड़की का नाम था लक्ष्मी। तो फिर वो लड़की थी लक्ष्मी, वो आंटियों के बीच में जाती है और उनसे जाकर बोलती है कि आंटी मेरे को रहने के लिए रेंट पर कमरा मिल जाएगा, क्योंकि मेरी अभी अभी जॉब लगी है न्यू कंपनी में, और मेरा कंपनी यहाँ से पास में ही है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो मेरे को ना अपने घर से आने में डेली दिक्कत हो जाती है, इस वजह से ना मैं एक रेंट पर कमरा लेना चाहती हूँ। तो फिर जो आंटियां थी वो बोलती कि नहीं नहीं हमारे पास तो कोई कमरा नहीं है, एंड कुछ आंटियां बोलती कि मैं खुद रेंट पर रह रही हूँ। तो फिर वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है आंटियों से, प्लीज आंटी मेरे को रेंट पर कमरा दिलवा दो, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे को, क्योंकि कल से मेरे को अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो फिर जो आंटियां थी वो ना आंटियां जो राकेश की मम्मी थी उनको बोलती है कि आपका तो 3rd फ्लोर वाला कमरा तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो आप रेंट पर दे दो। तो फिर जो राकेश की मम्मी थी वो मना कर देती है कि नहीं नहीं हमें रेंट पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं लगा सकते रेंट पर। तो फिर वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो ना राकेश की मम्मी के सामने हाथ जोड़कर बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज आंटी प्लीज मेरे को रेंट पर कमरा दे दो, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी है, कल से मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना है, वो मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। तो फिर राकेश की जो मम्मी थी वो बोलती है ठीक है मैं एक बार ना राकेश के पापा से कंफर्म करके पूछकर बताती हूँ। तो जो राकेश की मम्मी थी वो उसी टाइम राकेश के पापा को कॉल करती है, एंड वो उनको सारी बातें बताती है कि एक लड़की है उसको रेंट पर कमरा चाहिए, इमरजेंसी है। तो जो राकेश के पापा थे वो दिल के बहुत अच्छे हैं एंड वो अक्सर लोगों की मदद करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं दे दो रेंट पर। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मुझसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि मेरी साइड इनकम क्या है। तो क्या तुम्हें 1x गेम के बारे में पता है? यहाँ पर तुम हजारों से भी ज्यादा गेम खेल सकते हो और फन के साथ तुम पैसा भी कमा सकते हो। और यहाँ पर मेरा फेवरेट गेम है क्रैश, जिसे खेलना बहुत ज्यादा सिंपल है। इस गेम में एक प्लेन होता है जिसको हवा में उड़ने से पहले अपना पैसा लगाना है और प्लेन क्रैश होने से पहले अपना पैसा निकाल लेना है। चलो मैं सिखाता हूँ आपको। तो जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि इस गेम में एक प्लेन होता है जिसके उड़ने से पहले हमें अपने 100 रुपए लगा लेने हैं एंड हमें थोड़ा सा वेट करना है और हमें प्लेन क्रैश होने से पहले अपना पैसा निकाल लेना है। तो देखो मैंने 200 रुपए जीत भी लिए। तो देखा गाइस मैंने कैसे किया, तो है ना बहुत ज्यादा सिंपल। तो जल्दी जाकर चेक करो और मेरा प्रोमो कोड आस्तिक यूज करना मत भूलना, इससे तुम्हें मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का बोनस और साथ ही 150 रुपए का फ्री स्पिन। इसकी पूरी जानकारी तुमको नीचे मिल जाएगी, वरना स्क्रीन पे दिए गए QR को स्कैन करो। अब चलो अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो फिर जो राकेश की मम्मी थी वो उस लड़की को रेंट पर कमरा दे देती है, एंड वो सबसे पहले जाती है वो अपना कमरा दिखाती है, उसका 3rd फ्लोर
फ्लोर वाला कमरा दिखा देती है एंड वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो उनके घर में राकेश के घर में थर्ड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि रात के टाइम जो राकेश था वो कहीं गया हुआ था, वो रात के टाइम घर पर आता है एंड वो देखता है कि थर्ड फ्लोर पर एक लड़की है। तो फिर राकेश अपने मम्मी से पूछता है कि ऊपर वो लड़की कौन है, तो उसकी मम्मी सारी बातें बता देती है कि रेंट पर मैंने कमरा लगाया है इमरजेंसी थी। तो फिर राकेश बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो स्टार्टिंग में तो 3-4 दिन ऑफिस कंटिन्यू जाती है लेकिन उसके बाद वो ऑफिस जाना बंद कर देती है। तो फिर राकेश की मम्मी ने उससे पूछा भी उस लड़की से कि बेटा तुम अब ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो लड़की थी लक्ष्मी वो राकेश की मम्मी को बोलती है कि मेरे को अभी 10 दिन के लिए ऑफिस से ऑफ मिल रखा है तो इसलिए मैं 10 दिन बाद ऑफिस जाऊंगी। तो राकेश की मम्मी इस पर उतना ध्यान नहीं देती है एंड वो अपना नीचे आ जाती है। उसके बाद क्या होता है वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो ना धीरे धीरे राकेश की तरफ ना अक्सर घूरती रहती थी, राकेश को देखती रहती थी, साफ साफ बोलते ताड़ती रहती थी। लेकिन जो राकेश था भाई राकेश तो हमारा सख्त लौंडा था, वो उसके तरफ देखता भी नहीं था ना ही वो उस लड़की को बिल्कुल भी भाव देता था। लेकिन क्या होता है इसी बीच में जब से वो ऑफिस जाना उसने बंद कर दिया था तब से वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो राकेश के फैमिली के ना धीरे धीरे बहुत क्लोज चली गई थी। राकेश की मम्मी जो थी वो बिल्कुल उस लड़की को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगी थी, उनसे सारी बातें शेयर करती थी। एंड इसी बीच में क्या होता है जो राकेश था वो ना उस लड़की की तरफ लक्ष्मी की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, उस लड़की से बात करने के लिए पागल हो गया। तुम खुद सोच सकते हो कि जो राकेश था वो ना उस लड़की को बिल्कुल ही भाव नहीं देता था। लेकिन अचानक से इस बीच में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फैमिली भी उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और जो राकेश था वो उस लड़की की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, वो उससे बात करने के लिए तड़पने लगा, मतलब समझ लो कि उस लड़की की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ वो जो लड़की थी लक्ष्मी अब लक्ष्मी जो थी वो भाव खाने लगी। पहले राकेश उस लड़की को भाव नहीं देता था, अब वो लड़की राकेश को भाव नहीं देती है। लेकिन क्या होता है कि जो राकेश था वो दिन पर दिन उस लड़की के बहुत ही क्लोज जाने लगा था, बहुत अट्रैक्ट होने लगा था। लेकिन जो लड़की थी लक्ष्मी वो बहुत ज्यादा भाव खाने लगी, वो उससे बात नहीं करती थी। मतलब इस बीच में ना बहुत उल्टा सीधा हो गया था, राकेश के जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, राकेश का बात करने का तरीका वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। वो अपने मम्मी पापा से हमेशा कभी भी ना बदतमीजी से बात नहीं करता था, आप करके बात करता था। वो अपनी मम्मी से तू तड़ाका करके बात करने लगा, अपनी मम्मी पे चिल्लाने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े करने लगा, मतलब छोटी छोटी बातें पर ना लड़ने लगा अपने घर वालों से ही। तो फिर राकेश की जो मम्मी थी वो राकेश के दादी को फोन करके बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। और जो राकेश की दादी थी ना वो ना नजर वगैरह उतारने में ब्लैक मैजिक जादू तो ना होता ना उनको ना इन सब मामलों में काफी ज्यादा नॉलेज थी, क्योंकि वो ना गांव में किसी को नजर वगैरह लगता था तो राकेश की दादी ही लोगों का नजर उतारती थी, तो मतलब उनको ना इन सब चीजों के बारे में बहुत नॉलेज था। तो राकेश की दादी ने राकेश की मम्मी को बोला कि कोई बात नहीं हो जाता है, नजर वगैरह लग जाती है, तो मैं कल राकेश के नाम से ना यहाँ पर गाँव में ही पूजा करवाऊंगी तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्या होता है जिस दिन राकेश की दादी राकेश के नाम का पूजा करवाने वाली थी उससे एक दिन पहले रात को करीब 1 बजे राकेश क्या करता है, जब सभी लोग सो गए थे तब राकेश अपने थर्ड फ्लोर पर जाता है लक्ष्मी के कमरे में एंड वो उसके साथ जाकर फिजिकल हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में मतलब सब कुछ हो जाता है। और हैरानी वाली बात यह है कि लक्ष्मी ने उसको इन सब चीज को करने के लिए बिल्कुल भी रोका नहीं, लक्ष्मी ने करवाया और उसने कर दिया। फिर इसके बाद राकेश सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है एंड फिर सुबह सुबह 9-10 बजे राकेश की दादी ने राकेश की मम्मी को फोन किया एंड उन्होंने बताया कि मैंने राकेश के नाम से नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली के नाम से पूजा पाठ करवाया है, क्योंकि राकेश के ऊपर ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर, मतलब राकेश की मम्मी, राकेश और राकेश के पापा, तुम तीनों के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है, मतलब इन तीनों को किसी ने अपने वर्ष में कर रखा था। लेकिन जो राकेश था वो पूजा पाठ वगैरह नहीं करता था, वो इन सब चीजों पर उतना बिलीव नहीं करता था, इस वजह से राकेश जो था मतलब जिसने भी इन लोगों को वश में कर रखा था उसके वश में राकेश कुछ ज्यादा ही चला गया था। राकेश के मम्मी पापा भी वश में थे लेकिन वो लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे, इस वजह से मतलब वो लोग ना इतने वश में नहीं थे जितना राकेश वश में चला गया था। तो फिर राकेश की दादी ने बताया कि तुम लोगों के ऊपर किसी ने वशीकरण करा हुआ था एंड मैंने पूजा पाठ करा दिया है, अब तुम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हैरानी वाली बात यह है कि उसकी दादी को भी ये पता नहीं लगा कि किसने इनकी फैमिली को वश में कर रखा था, किसने वशीकरण कर रखा था इनकी फैमिली के ऊपर, ये इसकी दादी को भी पता नहीं लगा। लेकिन दादी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने पूजा पाठ करवा दिया है, अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जो लड़की थी लक्ष्मी वो ना राकेश की फैमिली के दिन पर दिन क्लोज आते जा रही थी, वो ना राकेश की फैमिली से धीरे धीरे दूर होने लगी। राकेश को भी ना उसके बाद रियलाइज हुआ कि उसने उस रात को उस लक्ष्मी के साथ मतलब क्या क्या किया, मतलब उसको बहुत गलत फील हुआ, गंदा फील हुआ। उसके बाद राकेश क्या करता है वो उस लड़की के पास जाता है लक्ष्मी के पास एंड वो उसके पास जाकर बोलता है कि देखो उस रात को हमारे साथ जो भी हुआ एंड मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं करा, जानबूझ के कुछ भी नहीं करा, मुझे पता नहीं लगा मैं क्या कर रहा था, लेकिन इसे तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ एंड अब हम
कभी नहीं मिलेंगे, हम बात बात नहीं करेंगे कुछ भी। उसके बाद राकेश उस लड़की से बिल्कुल ही दूर होने लगा। जो राकेश की मम्मी थी वो भी लक्ष्मी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लगी थी, तो अब वो भी मतलब जैसे स्टार्टिंग में आई थी वो लड़की, उतनी बातचीत नहीं थी इसकी मम्मी की और उस लड़की की, तो बिल्कुल वैसे होने लगे। राकेश भी दूर होने लगा, उसकी मम्मी भी दूर होने लगी। लेकिन अब क्या होता है, वो जो लड़की थी लक्ष्मी, वो राकेश को धमकी देने लगी कि तुम मुझसे शादी करो, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे फैमिली को सबको बता दूंगी कि उस रात को हमारे बीच में क्या क्या हुआ। लेकिन जो राकेश था वो डरता नहीं है, वो उस लड़की को बोलता है लक्ष्मी को कि तुम्हें जो करना सो करो लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। राकेश बिल्कुल भी डरता नहीं है। अब ये सब सीन चल ही रहा होता है, लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद राकेश की जो मम्मी थी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब ऐसी नहीं होती है, बहुत ही तगड़ी वाली तबीयत खराब हो जाती है। एंड फिर राकेश के जो पापा थे वो राकेश की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एडमिट करवाते हैं। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि राकेश की जो मम्मी है उनका लीवर खराब है। एंड उसके बाद जो राकेश था, राकेश के पापा थे, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। फिर राकेश अपनी दादी को फोन करके बता देता है कि मम्मी की तबीयत खराब है, लीवर खराब हो गया मम्मी का, सारी बातें बता देता है। फिर राकेश की जो दादी थी वो इमरजेंसी में टिकट वगैरह बुक करती है, एंड वो गाँव से दिल्ली आने के लिए निकल जाती है। तो जो राकेश की दादी थी उनकी रात के ट्रेन की टिकट थी, तो अब क्या होता है 2-3 घंटे बाद राकेश की मम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, तभी अचानक से डॉक्टर भत्ते हुआ आता है। एंड वो राकेश के पापा को बताते हैं कि राकेश की मम्मी की तबीयत सीरियसली खराब है, एंड बहुत ज्यादा तबीयत खराब क्योंकि है, सीरियस कंडीशन है। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो जाते हैं उसकी मम्मी का दोबारा चेकअप वगैरह करते हैं, एंड तभी डॉक्टर को पता लगता है राकेश की मम्मी का एक किडनी खराब है। एंड ये चीज सुनकर डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ टाइम पहले ही उनकी मम्मी की पूरी बॉडी चेकअप किया था, तो उस टाइम सिर्फ लीवर खराब था। एंड थोड़ी देर बाद दोबारा जब चेकअप किया तो उसकी मम्मी का एक किडनी भी खराब हो गया। एंड ये चीज जब राकेश और उसके पापा को पता लगा तो मतलब उनके लिए ये चीज मतलब विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड उनका तो पूरा दिमाग हिल गया, पूरा दिमाग खराब हो गया। वो लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये वाली बात राकेश के दादी को बिल्कुल ही पता नहीं है कि राकेश की मम्मी की और ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, उनका एक किडनी भी खराब हो चुका है। और राकेश ने अपनी दादी को वाली बात बताई भी नहीं, क्योंकि वो अपनी दादी को टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि जो उसकी दादी थी वो सुबह सुबह आने वाली थी। लेकिन उसी दिन अचानक से रात के करीब 4 बजे राकेश की जो मम्मी थी उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के संभल में भी नहीं आ रही थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है उसकी मम्मी की कि उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। और जब ये वाली बात राकेश उसके पापा को पता लगती है तो उनका पूरा दिमाग हिल जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। राकेश और उसके पापा को जब ये वाली बात पता लगी तो वो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में ही बहुत रोते हैं। फिर उसके बाद सुबह सुबह करीब 6 बजे जो राकेश की दादी थी वो भी हॉस्पिटल में आती है, फिर उनको पता लगता है कि जो राकेश की मम्मी है अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर राकेश अपने दादी को पकड़कर बहुत रोता है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, सभी लोग बहुत रो रहे थे, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी। फिर इसके बाद राकेश अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करता है, जो भी अंतिम क्रिया होता है उसको कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद ये लोग अपने घर जाते हैं, और इस बार इनके साथ दादी भी घर जाती है। लेकिन जैसे ही दादी घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है लक्ष्मी को, और लक्ष्मी ने जैसे ही दादी को देखा तो लक्ष्मी पूरी तरह से घबरा गई, मतलब ठंड का मौसम था उस टाइम, और लक्ष्मी के पसीने छूटने लगे। वो दादी को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई कि वो भाग कर सीधा अपने कमरे में चले गई ऊपर। फिर उसके बाद दादी राकेश से पूछती है कि ये लड़की कौन थी। फिर राकेश बताता है कि इस लड़की को हमने अपना 3rd फ्लोर रूम रेंट पर दे रखा है। लेकिन लक्ष्मी को देखने के बाद दादी के माइंड में कुछ ना कुछ चलने लगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो दादी थी उनको नजर उतारना आता था, उनको ब्लैक मैजिक काला जादू के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था, तो कहीं ना कहीं दादी समझ गई थी कि ये जो लड़की है वो गलत है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अगले दिन जो लक्ष्मी थी वो वैसे कभी ऑफिस जाती नहीं थी, पता नहीं उस दिन वो ऑफिस निकल जाती है दादी को देखकर, एंड वो अपने घर का चाबी राकेश को देके जाती है। मैंने आपको बताना भूल गया कि जब भी वो मतलब ऑफिस जाती थी तो वो अपने घर की चाबी ना वो राकेश की मम्मी को या फिर राकेश को देके जाती थी। तो जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलती है तो उसके बाद जो राकेश की दादी थी वो लक्ष्मी के घर की चाबी लेती है छुपके से, एंड वो लक्ष्मी के घर के ताला खोलती है। लेकिन जैसे दादी लक्ष्मी के घर के अंदर घुसती है तो दादी को एक अजीब सी स्मेल आती है। फिर उसके बाद दादी लक्ष्मी का पूरा घर ढूंढती है, छान मारती है। लेकिन जैसे दादी ने एक ड्रॉर खोला तो ड्रॉर के अंदर दादी को 2 डॉल मिले, वो भी हाथ से बनाए हुए। और वो दोनों डॉल दिखने में एक डॉल राकेश की तरह लग रहा था और दूसरी डॉल राकेश के पापा की तरह लग रहा था। और ये चीज देखने के बाद दादी को तो पूरा दिमाग हिल गया, दादी के पूरे होश उड़ गए। फिर इसके बाद दादी नोटिस करती है कि वो जो स्मेल आ रही थी वो लक्ष्मी के वॉशरूम में से आ रही थी, और वो बहुत ही गंदी सी स्मेल थी, जैसे कि कोई चीज मरी पड़ी हो। लेकिन जैसे ही दादी ने लक्ष्मी के वॉशरूम को खोला तो दादी ने देखा कि पूरा वॉशरूम खूनी खून हो रखा था, पूरे वॉशरूम में खूनी खून, हर तरह खून के छींटे, दीवार पर खून के छींटे पड़े हुए थे। और तभी दादी ने देखा कि वॉशरूम के गेट के पीछे एक बकरे का सर काटा हुआ रखा हुआ है, एंड उसके बगल में एक और डॉल रखी हुई थी जो कि बिल्कुल हाथ से बनाई हुई थी,
और वो डॉल दिखने में बिल्कुल राकेश की मम्मी की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही दादी ने उस डॉल को अपने हाथ में उठाया और फिर दादी ने देखा कि उस डॉल में 3 पिन चुभ रखे थे, एक लिवर पर, एक किडनी पर और तीसरा गर्दन पर। और तुम्हें याद होगा कि राकेश की मम्मी की भी डेथ बिल्कुल इसी तरह से हुई थी। पहले उनका लिवर खराब हुआ था, फिर किडनी खराब हुआ था और फिर अचानक से उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। अब ये सब देखने के बाद राकेश के दादी को सब कुछ समझ में आ गया था। फिर उसके बाद राकेश के दादी सिया जाती है राकेश के पास एंड वो उसको सारी बातें बता देती है। फिर उसके बाद राकेश की दादी राकेश को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है एंड उसके बाद जो राकेश की दादी थी उन्होंने तांत्रिक बाबा को सारी बातें बता दी। वो डॉल लेकर गए थे जो उनको लक्ष्मी के घर से मिला था, उन्होंने उस डॉल को दिखाया। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने बताया कि राकेश की मम्मी की जो डेथ हुई थी वो उसी लड़की यानी लक्ष्मी ने करवाई है। एंड फिर उसके बाद जो तांत्रिक बाबा थे वो 3-4 बाबाओं के साथ राकेश से घर पर जाते हैं। उस टाइम करीब शाम के 7 बज रहे थे और वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो उस टाइम अपने ऑफिस से नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में आती है तो वो देखती है कि घर के अंदर 3-4 बाबा बैठे पड़े हैं। एंड ये चीज देखने के बाद लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद वो जो बाबा थे वो सीधा जाते हैं लक्ष्मी का बाल पकड़कर घसीटकर सीधा लेकर आते हैं। लेकिन जब वो उसको लेकर आ रहे थे तब वो जो लक्ष्मी थी उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी, उसके पूरे जो बाल थे वो पूरे बिखर गए थे, वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसके बाद वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो कह रही थी कि छोड़ दे मुझे बुड्ढे, तुम सब मरोगे, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन कर मारूंगी मैं। फिर उसके बाद वो बाबा घसीट कर सीधा लेकर आते बीच घर में लेकर आते हैं एंड फिर उसके बाद वो 3-4 बाबा जो थे वो मिलकर लक्ष्मी की खूब पिटाई करते हैं। फिर इसके बाद वो लड़की लक्ष्मी सब कुछ कबूल करती है, उसने ऐसा क्यों किया और उसने जो जो बताया उसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लक्ष्मी थी वो रूम ढूंढते हुए आई थी, लेकिन वो रूम ढूंढते हुए नहीं, वो पहले से फिक्स करके आई थी कि मैं राकेश के घर में ही रुकूंगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राकेश था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इनकी फैमिली के पास बहुत पैसा था। तो लक्ष्मी ये सोचकर राकेश के घर में आई थी कि वो राकेश के फैमिली को अपने वश में कर लेगी एंड फिर उसके बाद वो राकेश से शादी कर सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा लेगी। और उसने ऐसा किया भी था राकेश के फैमिली को, राकेश को उसने अपने वश में किया। लेकिन फिर उसके बाद दादी ने राकेश के नाम से, राकेश की पूरी फैमिली के नाम से पूजा पाठ करवाया, तो इसकी वजह से जो भी उसने वशीकरण किया था वो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं राकेश के साथ इंटीमेट होंगी, उसके साथ गलत सीन करूंगी, फिर मैं उसको धमकी दूंगी, डराऊंगी, जिसकी वजह से वो मेरे से शादी कर लेगा। लेकिन राकेश डरा नहीं, उसने उसको साफ साफ मना करता कि तुझे जो करना है कर ले। लेकिन लक्ष्मी ने राकेश की मम्मी को इसलिए मारा था क्योंकि राकेश की मम्मी ने लक्ष्मी को एक दिन रात के टाइम ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया था और लक्ष्मी बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसको लगा कि अब उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा, उसकी मम्मी सबको जाकर बता देगी, उसको घर से निकाल देंगे सब लोग। तो इसीलिए उसने लक्ष्मी की मम्मी के साथ डॉल की मदद से ये सब कुछ किया एंड बकरे की बलि देकर उसने राकेश की मम्मी की जान ली थी। और इसीलिए राकेश के दादी को लक्ष्मी के वॉशरूम के अंदर उस बकरे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ मिला था। मतलब तुम खुद सोच सकते हो ब्लैक मैजिक की मदद से राकेश को अपनी मम्मी खोनी पड़ी। एंड ये सब चीज कहने के लिए तो बहुत छोटी होती है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, लेकिन इन सब चीजों से किसी की जिंदगी, किसी की जान जा सकती है, बर्बाद हो सकती है किसी की जिंदगी। मेरा मकसद होता है तुम लोगों को वीडियो के जरिए पहले अलर्ट करना, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक, काला जादू, जादू टोना, ये सब चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, कोई मानो ना मानो। मैं तुम्हारे सामने इतनी अच्छी अच्छी मतलब इतनी खतरनाक रियल स्टोरीज लेके आता हूं ताकि तुम लोग पहले ही अलर्ट हो सको। तो आई होप कि तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्या पता लकी सब्सक्राइबर तुम हो सकते हो। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना इस चैनल का भी और गेमिंग चैनल का भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलो जय बाबा की, बाय बाय।